इज़ वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जहाँ हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे इस वीडियो में हम आज देखने वाला बी सी एस एल जीरो थर्टी टू जो हमारा सी प्लस प्लस का लैब मैनुअल बुक है और हम इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकल जो हमारा एग्ज़ाम होने, होने वाला है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी so, वन वालों का एग्ज़ाम होने वाला है सो उससे रिलेटेड वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो so, वो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी एंड बाकी के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के जो भी हमारे तीन बुक्स थे फर्स्ट सेमेस्टर में एक लैब लैब का बुक था जो कि मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं एंड ऑलरेडी सेकेंड का भी अपलोड कर दिया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूँगी सो so, इस वीडियो में हम आज देखेंगे ना कि बी सी एस एल थर्टी टू जो हमारे सी प्लस प्लस का लैब है वो उसमें हम क्या क्या क्वेश्चंस एवेलुएटर uh, uh, के द्वारा पूछा जाता है ठीक है सो देखते हैं वो क्वेश्चंस और इस uh, इस वीडियो में आंसर्स भी answers भी करेंगे ओके okay? सो so, वीडियो में बने रहना एंड वीडियोस को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी वीडियोस या किसी भी बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सीधे दे एग्जाम देने जाओगे राइट सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सो so, देखिए आपके पास मैं ट्वेंटी एट क्वेश्चन लाई हूँ और इस जो भी आप अपने वाईवा के टाइम जब आप एग्जाम जो अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जनरली आप थ्री टू फोर लाइन के आंसर्स बताना क्योंकि जनरली वाईवा में डिफिनीशन टाइप्स ही पूछे जाते हैं डिफरेंस बिटवीन पूछे जाएंगे सो so, जैसे कि पूछा जा सकता है व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स प्रजेंट इन सी प्लस प्लस वाट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस इट इज़ ऑलरेडी यू आर डन इन इन योर एग्जाम्स तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको सो so, वाट आर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स वाट आर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लासेज आप चिंता मत लो क्योंकि इसके आंसर्स भी मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगी ठीक है एंड फाइव क्वेश्चन हो सकता है कि वाट इज़ ऑपरेटर overloading? सो so, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ओके okay, सो so, आप इसको देख लेना मैं अब बात करती हूँ आपके मेरे पास ट्वेंटी एट क्वेश्चन है आपको लोग को करवा दूंगी मैं ट्वेंटी एट क्वेश्चन इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ओके सो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स सो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स प्रेजेंट इन सी प्लस प्लस तो आपको ऑफकोर्स बताना कि देर आर आर फोर डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस विच आर गिव इन ब्लो प्रीमेटिव डेटा टाइप्स डाइव डेटा टाइप्स इन यूजर डिफाइन डेटा टाइप्स राइट तो प्री डिफाइंड में आपसे पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल बताओ भाई की क्या क्या होता है तो अब कैर शॉर्ट एंड फ्लोट लॉन्ग डबल बुलन इस सारी चीजों को आप बता सकते हो राइट डिराइव डेटा टाइप्स में आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एरे और पॉइंटर का इनमेशन uh, e में हो सकता है कि एम नंबर हो सकता है राइट यूजर डिफाइंड में हो सकता है स्ट्रक्चर एंड क्लासेस राइट तो अब बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस राइट तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है सो so, आप बोल सकते हो कि सी इज अ प्रोसीड्योर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट सी प्लस प्लस क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सी uh, जो होता है सी uh, जो होता है डज नॉट सपोर्ट डेटा हाइडिंग बट सी प्लस प्लस में डेटा हाइडिंग होता है विथ द हेल्प ऑफ इनकेप्सुलेशन राइट और C++ में ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता राइट फंक्शन एंड ऑपरेटर जो होता है हमारा उसको जो उसके साथ जो ओवरलोडिंग होता है वो C सपोर्ट नहीं करता बट फंक्शन सॉरी C++ में फंक्शन ऑपरेटर दोनों ओवरलोडिंग को सपोर्ट करते हैं C एज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज सुपर सेट ऑफ सी प्लस सो यह आप डिफरेंस बता सकते हो एक और आप बता सकते हो कि नेम स्पेस फीचर आर नॉट प्रजेंट इन सी प्लस सी बट सी प्लस प्लस में प्रजेंट होता है वॉइड कंसोलेशन्स के द्वारा एंड फंक्शन आर नॉट डिफाइन इन साइड स्ट्रक्चर बट सी प्लस प्लस में फंक्शन आर डिफाइन इन साइड स्ट्रक्चर तो आप ये बता सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिफरेंस बताने पूछे तो तीन बोल के एक सत्ता में बोल सकते हो या फोर फाइव बोल सकते हो राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तो ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस तो आप उसको क्या बताओगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट जो है हमारा उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है राइट right? तो आप उसको डिफरेंस करके बता सकते हो कि सी इज ऑल् सी इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी इज अ सॉरी क्लास इज अ फ्यूचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बट आपको एक सिक्वेंटली uh, 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 जर, जरूरी है आपको आंसर प्रोवाइड करना सो so मैं देती हूँ सी The class uh, a class is a user defined data types okay? that has data members and member function or uh, data members are uh, data variables and member function are function that are used to perform operation on those variables. But object is what Ki an object is an instance of class. since a class is a user defined data type so an object can also called variable and uh, that data types right तो so class को इस तरीके से define किया जाता है कि class में मान लो कोई a, class है a और उसके बाद private data int int करके data use करते हैं हम आप public में fan fun function use कर ले रहे हैं तो इस तरीके से ये प्रोवाइड करता है बट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में हो सकता है कि हम लोग काफ़ी चीज़ें यूज करते हैं ऑब्जेक्ट क्या है ना कि क्लास कलेक्शन ऑफ क्लासेस है राइट right? अगर कार uh, कार एक क्लास है अगर हम एक क्लास लेते हैं कार तो हो सकता है कि उसके रेड कार भी हो सकता है ब्लू uh, कार uh, भी हो सकता है ग्रीन कार ग्रीन कार भी हो सकता है उसके कंपनी uh, के नेम हो सकते हैं उसके uh, यू you ना know, हो सकता है ना कि जैसे कि कितना माइलेज यूज करता है तो इस तरीके से ये होता है अब बात करते हैं आपके ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लासेस स्ट्रक्चर और क्लासेस के बीच जो डिफरेंस होता है क्या होता है बहुत इजी वे में हम आपको समझा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक like कर देना ठीक है इन सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर इज द सेम एज क्लासेज एक्सपर्ट फॉर फ्यू डिफरेंस लाइक सिक्योरिटी एंड द हेयर राइट सो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मेम्बर ऑफ द स्ट्रक्चर आर पब्लिकली डिफ़ॉल्ट ठीक है लेकिन क्लासेस में क्या होता है कि मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ द क्लास आर प्राइवेट बाई डिफॉल्ट देखो स्ट्रक्चर में जितना भी मेम्बर uh, होता है स्ट्रक्चर का वो पब्लिकली बाई डिफॉल्ट होता है बट क्लासेज में प्राइवेट होता है राइट right? तो और एक और आप बता सकते हैं कि वेन ड्राइविंग अट्रक्चर फ्रॉम क्लास और स्ट्रक्चर मतलब किसी भी स्ट्रक्चर uh, uh, को ड्राइव करते हैं क्लास uh, में या स्ट्रक्चर में तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर बेस्ड क्लास बट क्लास में जब हम वेन ड्राइविंग अ क्लास डेफॉल्ट टक्स स्पेसिफायर आर प्राइवेट इसमें क्या होता है कि पब्लिकली सब काम होता है ठीक है मेंबर मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर भी पब्लिक बाय डिफॉल्ट होता है एंड जब हम लोग कोई भी ड्राइविंग uh, करते हैं ड्राइविंग uh, करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को क्लास में तो वो एक्सेस एक्सिस एक्सेस स्पेसिफायर भी जो हमारा फोर बेस क्लास का होता है वो भी पब्लिकली एक्सेस करता है बट क्लास में सब प्राइवेट uh, होता है राइट right? आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ वेरी इंसेंशियसल एलिमेंट ऑफ इंसेंशियल एलिमेंट टू द परफॉर्म ऑपरेशन ऑन यूजर डिफाइन डेटा टाइप्स राइट और एक ऑपरेटर uh, ओवरलोडिंग एक ऐसा इंसेंशियसल एलिमेंट है जो परफॉर्म करता ऑपरेशन में यूजर डिफाइन डेटा टाइप्स में राइट तो उसके कुछ ओवरलोडिंग uh, के uh, सिंबल्स हैं जैसे कि प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई uh, का साइन है एंड डिवाइड है ग्रेटर एंड ग्रेटर इक्वल है राइट right? तो ये जो होते हैं ऑपरेटर होते हैं ओवरलोडिंग के उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज सी प्लस प्लस तो इट इज अ सिंपल मीन्स ऑफ हैविंग मेनी फॉर्म्स ओके इट्स बिहेवियर एज द डिफरेंट इन अ डिफरेंट सिचुएशन इसके भी जो भी हमारा जो इसका बिहेवियर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट uh, होता है डिफरेंट सिचुएशन में ठीक है uh, जो कि एंड अक्सर वन वी हैव मल्टीपल एक्सेस क्लासेस डेट आर रिलेटेड टू इच बाई इच अदर बाई इनहेरिटेंस और एक और बात मैं बता दूँ कि पॉलियोफॉर्म uh, के दो टाइप्स होते हैं right? राइट स्टैटिक और डायनेमिक होता है ठीक है uh, जो कि उसको रन टाइम भी कहते हैं रन टाइम और कंपाइल टाइम भी कहते हैं और फिर इसको मतलब uh, इसके जो पार्ट है ना उसके मतलब कि, कितने भी बहुत ज़्यादा uh, एक ही एक टाइप्स के दो तीन नेम है जैसे कि कंपाइल रन हो गया सॉरी रन टाइम हो गया उसका नाम स्टैटिक भी है उसके बाद उसका नाम ओवरलोडिंग भी है ओवरलोडिंग और ओवर सो जो कंपाइल टाइम नाम बता रहा है उसके आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बोल देगा कि स्टैटिक वाला स्टैटिक फॉर्म बताओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपाइल टाइम और रन टाइम गलत है बिल्कुल भी नहीं है कम्पाइल टाइम पॉलीफॉर्मिज के भी दो दो नेम से जाना जाता है एक कंपाइल टाइम फॉर्मिस फिर स्टैटिक uh, वाला और एक और माना जाता है ओवरलोडिंग ठीक है रन टाइम में ओवर रीडिंग होता है डायनेमिक होता है ठीक है तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है सी uh, जो कंपाइल टाइम का uh, उसके भी दो दो टाइप्स होते हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेथड ओवरलोडिंग का ज़्यादा यूज़ नहीं हमारे बुक में बट हाँ रन uh, टाइम के रन टाइम में जो हमारा विजुअल फंक्शन है एंड फंक्शन ओवरलोडिंग है इन दोनों का यूज़ हुआ है हमारे बुक में सो so, हमारे बुक में जो है ना वो मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ बताया नहीं गया तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो बट वाई वाई तो आपको बता देना चाहिए कि कितने टाइप्स होते हैं सो so, कंस्ट्रक्टर uh, uh, क्या है कंस्ट्रक्टर क्या है द कंस्ट्रक्टर इज अ में फंक्शन दैट इज एग्जीक्यूट ऑटोमैटिकली ऑटोमेटिकली वे एंड ऑबजेक्ट इज क्रिएटेड ये कंस्ट्रक्टर का जो मेंबर फंक्शन होता है ऑटोमेटिकली यूज सॉरी एग्जीक्यूट हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है राइट एंड कंस्ट्रक्टर हैव अ सेम नेम एज द्लासेज ऑफ विच दे आर मेम्बर शो आर दम सो कंपाइल टाइम जो होता है ना एक तरीके का मेथड है राइट वी आर, वी वुड कम टू नोन एट द कंपाइल टाइम विच मैथ विल बी डिक्लेयर कॉल्ड एंड द ऑल्सो री द कंपाइलर। बट इधर क्या होता है कि वी कम टू नो एट द रन टाइम विच मैथड विल बी कॉल्ड एंड द कॉल इज नॉट री सॉल्व द कंपाइलर ठीक है इट्स प्रोवाइड फास्टस्ट एजुकेशन बट इस रन टाइम में क्या होता है कि स्लो एजुकेशन होता है बिकॉज इट इज नोन एट कंपाइल टाइम एंड बिकॉज नोन एट द रन टाइम सो इस तरीके से है आप इजीली कंफर्म कर सकते हैं और ये पीडीएफ के लिए प्लीज़ नीचे कमेंट कर जरूर कर देना और एक छोटा सा एग्जांपल आप बता सकते हो कि इंट ऐड करके ए और भी ए लेंगे और रिटर्न ए प्लस बी कर देंगे राइट तो इस तरीके से आप देख सकते हो बट आई डोंट थिंक सो कि आपसे कुछ एग्जांपल्स के आ, रूल्स मांगेंगे कि आप हाँ सिंटेक्स आपसे पूछ सकता है कि सिंटेक्स क्या है आई मीन कंपाइलर का सॉरी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या होगा फ्रेंड फंक्शन का क्या होगा एंड आपसे पूछ सकता है कि फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड uh, क्लासेस में uh, क्या उसमें उस से जानते हो तो फ्रेंड फंक्शन इज अ क्लास ऑफ एक्सेस प्राइवेट पब्लिकली एंड प्रोटेक्टेड मेमर फंक्शन ऑफ द ऑफ द क्लास इन द विच आर डिक्लेयर एज अ फ्रेंड लाइक और बट फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड फंक्शन भी फ्रेंड क्लासेस की तरह ही है विच इज ऑल्सो एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक बट फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ अम्बर फंक्शन राइट देखो फ्रेंड क्लास क्या है एक तरीके का मेंबर फंक्शन आपसे कोई पूछे कि फ्रेंड क्लासेज फ्रेंड क्लासेस क्या है तो फ्रेंड क्लासेज इज अ अम्बर फंक्शन विच इज एक्सेस प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स Of the class in which is it is declared in the f friend, but uh, friend function? gaggy friend function? Is a, uh, also like a uh, friend classes, but uh, and it is also access private, protected, and public members, but it is not a, a member function, right? और आपसे पूछेगा कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है सी प्लस प्लस में तो कहना कि आप देर देर आर थ्री एक्सेस स्पेसिफायर विच इज पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट एंड ऑल पब्लिक क्या होता है कि ऑल डेटा डेटाबर्स एंड मेंबर फंक्शन आर एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास विच इज नोन एज अ पब्लिक एंड इज वॉट की ऑल डेटा डेटा मेम्बर्स एंड मेंबर फंक्शन आर एक्स एक्सेसबल इन साइड विच इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट इज वॉट कि एक्सेसिबल ही नहीं होता आउटसाइड क्लास में राइट तो ऑल डेटा मेम्बर फंक्शन और मेम्बर्स आर नॉट एक्सेसबल आउटसाइड ऑफ द क्लास अब बात करते हैं आपके इन लाइन फंक्शंस की कि इन लाइन फंक्शंस क्या होता है इन लाइन फंक्शन एक तरीके का फंक्शन है आप कह सकते हो कि

Once a reference name is initialized uh, with the variable, and that variable can access by variable names and reference of the both name. So, so video ko like kar do yaar. Abhi tak to channel ko subscribe kar do. And uh, 14 number question, aap se what do you mean abstraction in the C? so abstraction is also part of our uh, features of object oriented C. and uh section is the process of showing internalization of the uh, details to uh, and slide details of the user and hiding the details which uh, which we don't want to be show to their user or hiding details which are there. basically क्शन इज अ पार्ट ऑफ योर या कहो फीचर्स ऑफ सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इट इज प्रोसेस ऑफ सोइंग इन सैलेक्शन डिटेल्स विच इज यूजर एंड हाइडिंग द डिटेल्स विच वी नो वी डोंट वॉन्ट टू शो द टू द यूजर एंड एंड जो हाइडिंग डिटेल्स होते हैं विच आर इंटेड आउट द पार्टिकुलर यूजर आपसे ये भी पूछ सकता है और ओवरलोडिंग पॉसिबल इफ यस प्लेन एंड इफ नॉट इट वाई सो आप डेफिनेटली कहना कि नोट डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्गूमेंट एंड शो देयर इज द ओनली वन वे टू डो डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टर इज द बेसिकली पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड विच इज वर्क इज ओनली वन टू वे डिस्ट्रॉय द एन ऑब्जेक्ट आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि डिस्ट्रक्टर क्या है आप बता सकते हो डिट्रक्टर इज अ पार्ट ऑफ सॉरी अ पार्ट ऑफ फंक्शन एंड विच इज डिट्रक नो डिस्ट्रक्चर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्ट्रक्चर इज अ टेक नो आर्गूमेंट ओके एंड सो देर द ओनली वन पार्ट विच टू ड्रो डिस्ट्रॉय द एंड ऑब्जेक्ट आपको आपसे अगर आपसे इसी क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन बन जाता है बिकॉज कि डिस्ट्रॉय क्या है एंड डिस्ट्रॉय अगर ओवरलोडिंग कर सकता है तो क्यों अगर नहीं कर सकता है तो वो भी बताओ क्यों ठीक है सो तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है कि डिस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज की ये आर्गूमेंट लेता ही नहीं है एंड इसके पास बस एक ही काम होता है जो कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना राइट right? तो आपसे डिस्ट्रक्टर की, पूछे कि की डिस्ट्रक्टर क्या है तो डिस्ट्रक्टर इज डिस्ट्रक्टर इज द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज टेक्स नो आर्गुमेंट एंड सो देर वन वे टू डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट दैट्स रीजन उसके बाद आप इसमें यह भी ऐड कर सकते हो डेट्स द रीजन डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल आपसे कॉल वाई वैल्यू और कॉल वाई रेफरेंस भी पूछ सकता है इतना नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप एक बार चेक कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वट इज क्लास एंड वेन डू यू यूज इट सो क्लास इज कॉल्ड अब्सट्रैक्शन ओके अब्सट्रैक्शन क्लास आप एक क्लास को abstract कह सकते हुज ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी क्रिएटेड जो ऑब्जेक्ट कभी क्रिएट ही नहीं हो सकता ड्राइव्ड क्लासेज एंड वी कैन मेक अ क्लास ऑब्जेक्ट बाई प्लेसिंग प्योर विचुअल फंक्शन डिस्ट्रक्टर जैसे अभी अब मैंने आप लोग को बता ही दिया था कि डिस्ट्रक्टर क्या है तो डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड वेन द एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्रिएटेड डिस्टॉय में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर का यूज होता है जो कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है पहले एंड डिस्ट्रॉय का, का काम होता है उस कंस्ट्रक्टर के जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड क्रिएट किए गए हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देना सो so, सो so, uh, अब बात करते हैं कि स्टैटिक मेंबर्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन में डिफरेंस क्या हो सकता है तो आप ये भी देख लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेरे पास एक इनहेरिटेंस इन्हार, इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस एंड कॉल द ड्राइव क्लास फ्राम एग्जिट क्लासेज ठीक है एंड एनहरिटेंस इज अल्सो फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट और इंटर प्रोग्रामिंग जैसे कि आपको पता है कि सेवन टू सिक्स टू सेवन फीचर्स हैं uh, जैसे कि क्लास ऑब्जेक्ट करके तो उसका ही ये भी फीचर uh, है इनहेरिटेंस विच इज़ प्रोसेस टू क्रिएटिंग न्यू क्लासेज एंड ड्राइव क्लासेज को एग्जिट uh, क्लासेस से ड्राइव क्लासेज में करता है ठीक है देर एग्जिटिंग क्लास आर कॉल बेस क्लास एंड इसको आप कह सकते हैं कि बेस क्लास है ड्राइव क्लासेस से एग्जिटिंग uh, क्लास में कन्वर्ट करता है अब एग्जिटिंग क्लास को ड्राइव बेस क्लास भी कह सकते हैं ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इनहेरिटेंस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू कि आपके पास एक uh, हो सकता है नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर से आप समझ सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर

इट्स डिक्लेयरिंग अ व्यूचुअल की वर्ड्स राइट बट इसमें क्या होता है कि डैट हैज़ नो इम्प्लीमेंटेशन एंड डिक्लेयर बाई असाइनिंग जीरो इट हैज ऑन इट हैज़ नो बॉडी बट व्यूचुअल फंक्शन के पास बॉडी प्योर होता है अपने अपने उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि कैन वी कॉल अ व्यूचुअल फंक्शन फ्रॉम कंस्ट्रक्टर तो येस वी कैन कॉल अ व्यूचुअल फंक्शन फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर बट The behavior is a little different in the in this case when virtual functions is called the uh, virtual call resolve at the runtime. It is always the member function of the current classes that get called. That is, a uh, virtual machine does not work within a class, right? Void pointer we can void pointer is a pointer which is having a no data type associated with it, and it can hold address. सो so, आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय एंड आप लोग के एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे जाएं आई होप एंड इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड मैं एक और बात कह दूं आपसे कि जो हमारा uh, जो भी एग्जाम होगा वो ऑनलाइन ही आपके मूड में होंगे चाहे आप किसी भी आरसी के हों और वाइवा होगा और आपके मन में जो एक और डाउट है कि वाइवा के बाद क्या प्रैक्टिकल हमारे सेंटर्स पे जाके देना होगा तो बिल्कुल भी नहीं ये वाइवा ही कि आपका जो समझ लो प्रैक्टिकल समझ लो वाइवा समझ लो असाइनमेंट वाइवा समझ लो जो है सो यही है और आप आराम से अपने एग्जाम्स को दो आपको नेक्स्ट वीडियो किस वीडियो आ, किस सब्जेक्ट पे चाहिए आई मीन I mean, किस लैब प्रैक्टिकल के पे चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करना वीडियो को इतना लंबा किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ने। बिल्डा नेक्स्ट वीडियो में रख करें बाय टेक केयर सब खैर थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो